Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, welcome back to another video. This video, we are going to look at tips and tricks you need to follow to crack your PT test in 2024. This video is going to be in Hindi and English version of this video will be out soon. So if you don't understand or speak Hindi, my apologies, but an English version of this video will be out very soon. भाई ये वीडियो होगा हिंदी में, जनरल टिप्स दूंगा हर एक मॉड्यूल हर एक टास्क के बारे में कि 2024 में आपको पीटी टेस्ट कैसे क्रैक करना है, मैंने कैसे 2024 में 90 लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने डिजायर्ड स्कोर कैसे ले रहे हैं, हर एक चीज बताऊंगा। तो ध्यान से सुनना, शॉर्ट वीडियो रखूंगा और नॉलेज से भरी हुई वीडियो रखूंगा ताकि आपको कोई इशू ना हो और पहले अटेम्प्ट में आपका स्कोर आए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि भाई पेपर चेंज हो गया है, हमारा स्कोर नहीं आएगा, पीटी डिफिकल्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब तक आप पीटी को अंडरस्टैंड करोगे कि पीटी के सॉफ्टवेयर को या सिस्टम को कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, 100% आपका स्कोर आएगा। मैंने भी ऑलमोस्ट सेम चीजें ही करी थी जो इस बार मेरा 90 आया एज कम्पेयर टू जो मैंने 2023 में किया था। तो बहुत सारी चीजें चेंज नहीं हुई है, थोड़ी बहुत चीजें अपडेट होती रहती है, अगर आप वो चेंज कर लोगे समझ जाओगे तो स्कोर आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्पीकिंग मॉड्यूल की, ठीक है। आपको सबसे पहले आएगी पर्सनल इंट्रोडक्शन, उसके कोई स्कोर नहीं है बट उसको आपने छोड़ना नहीं है। पर्सनल इंट्रोडक्शन हमेशा आपने अटेम्प्ट करनी है ताकि रीड अलाउड की प्रैक्टिस हो जाए। आप चाहे अपने बारे में कुछ ना भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करता हूँ पर्सनल इंट्रोडक्शन में, जो ऊपर हेडिंग दी होती है जैसे यू हैव टू टॉक अबाउट योर सेल्फ फॉर 40 सेकेंड्स, यू कैन टॉक अबाउट योर हॉबीज, योर नेम, योर स्टडीज एंड, वो ही जो स्क्रीन पर लिखा वो ही पढ़ दो। उससे क्या है कि आपके रीड अलाउड की प्रैक्टिस हो जाएगी और जो गलतियां आपने पहले रीड अलाउड में करनी है, जो फंबल होना है, वो यहाँ पे हो जाएगा, सो दैट फर्स्ट रीड अलाउड में कोई इशू ना हो। फिर शुरू हो जाता है आपका रीड अलाउड। उससे पहले मैं आपको स्पीकिंग के दो बेसिक्स बता देता हूँ, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन। फ्लुएंसी को स्पीड से मत कंपेयर करा करो। फ्लुएंसी का मतलब है एक नॉर्मल फ्लो में बोलना विदाउट एनी काइंड ऑफ अननेचुरल हेजिटेशन और पॉजेस। आपको एक फ्लो में बोलना, बहुत तेज नहीं जाना, बहुत स्लो नहीं जाना, ठीक है। फिर आगे प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको क्लैरिटी पे फोकस करना है, एक्सेंट नहीं चेंज करना, गोरों की तरह नहीं बोलना, जस्ट कीप इट नॉर्मल राइट, बट मेक श्योर हर एक वर्ड क्लियर आए। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन इशू है तो आप स्पीड हल्की सी कम कर सकते हो बट प्रोनाउंसिएशन क्लैरिटी आपकी पूरी होनी चाहिए। अब रीड अलाउड में दो टेक्निक्स है करने की, वन लाइन स्ट्रैटेजी है और एक होता है फुल रीड अलाउड पढ़ना। दोनों स्ट्रैटेजीज वर्क कर रही है, वन लाइन स्ट्रैटेजी भी वर्क कर रही है बट आपको प्रॉपरली यूज करना है। अगर आपको वन लाइन स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं पता तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो देख सकते हो। दोनों से आपके पूरे नंबर आएंगे बट आपको ये नहीं है कि आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे बट उसमें 10 गलतियां कर रहे हो तो स्कोर आ जाएगा। जो भी स्ट्रैटेजी करो करो बट जो भी आपने करना है प्रॉपरली करना है। अब रीड अलाउड में एक मॉडरेट स्पीड पे पढ़ना है, कंटेंट की क्लैरिटी का ध्यान रखना है। अगर आप पूरा पढ़ रहे हो तो अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड है पर पैसेज 2-3 वर्ड आप स्किप भी कर सकते हो। लेट्स से सेंटेंस है, इट हैज बीन अ टॉपिक ऑफ रिसर्च फॉर मेनी रिसर्चर्स। अब मेरे को रिसर्च बोलना मुश्किल लगता है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इट हैज बीन अ टॉपिक ऑफ फॉर मेनी रिसर्चर्स। तो एक आधा वर्ड स्किप कर दोगे या 2 वर्ड स्किप कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं हाईली एडवाइस करूंगा कि आप वन लाइन स्ट्रेटजी फॉलो करो, कहीं से शुरू करके कहीं भी फिनिश कर सकते हो। सिर्फ 8 से 12 वर्ड बोलने और क्लियरली बोलने हैं। अगर आप थोड़ा सा स्लो भी बोलोगे बट क्लियर बोलोगे आपका स्कोर आ जाएगा। रीड अलाउड इजी टास्क है बट इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट टास्क आ जाता है रिपीट सेंटेंस। इस टास्क के बहुत बच्चे डरते हैं कि भाई बहुत लॉन्ग सेंटेंस आ जाएंगे, हमारे से सेंटेंस रिपीट नहीं कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखना 10 से 12 रिपीट सेंटेंस आएंगे जिसमें से 7-8 इजी आएंगे, 2-3 या 4 मुश्किल आएंगे। आपको मुश्किल वालों पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि आप इजी वाले सही रखो, क्योंकि आप अगर मुश्किल वालों पे फोकस करोगे ना उसके चक्कर में इजी वाले भी आपके सही नहीं होंगे। आप सिर्फ फोकस करो कि जो आपके इजी 8 आ रहे हैं वो आप 100% सही करो, जो मुश्किल आ रहे हैं उसमें 50% भी सही करो, फिर भी आपके 79+ स्कोर इजीली आ जाएंगे। मेरे पिछले 12 अटेम्प्ट्स में लिसनिंग भी 90 है, स्पीकिंग भी 90 है और हमेशा मेरे 2-3 जो लॉन्ग रिपीट सेंटेंस होते हैं वो गलत होते हैं, बट मैं क्या करता हूँ फ्लो मेंटेन करता हूँ, क्लैरिटी पे फोकस करता हूँ और बिना रुके बोलता हूँ, एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू टू डू एज वेल। रिपीट सेंटेंस में सेंटेंस का मतलब समझना, जितना समझ आता है क्लियरली कॉन्फिडेंटली बोल देना, रुकना नहीं है और ट्राई करना 70 से 80%, 70 to 80% कॉन्टेंट रिपीट करना इजी वालों में, और डिफिकल्ट वालों में अगर आप 50 to 60% भी करते हो तो इट्स फाइन। अगर हाँ 7-8 वर्ड का आ रहा है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप 80-90% कॉन्टेंट तो बोल के आओ। रिपीट सेंटेंस ईजी है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना, 100% आपका स्कोर आ जाएगा। प्रैक्टिस एवरी डे जरूर करना। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि 100% कंटेंट नहीं चाहिए, 70-80% कंटेंट भी बोलोगे बट क्लियरली बोलोगे, बिना रुके बोलोगे तो इट्स फाइन। अगर कुछ भी समझ नहीं लगता रुकना नहीं है, अपनी तरफ से सेंटेंस बना दो और एक फिलर ऐड कर दो। लेट्स से उसने एक सेंटेंस बोला वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट टुमारो, आपको सिर्फ याद है प्रोजेक्ट,
जस्ट बोलो। देखो दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कुछ भी मत बोलो, एक ऑप्शन है अपनी तरफ से सेंटेंस बना दो। पहले ऑप्शन में तो कोई भी नंबर नहीं आएंगे, दूसरे ऑप्शन में नंबर जरूर कटेंगे बट फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन में नंबर आ जाएंगे। तो आप बोल सकते हो प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल डू इट टुमारो, समथिंग लाइक दैट। जस्ट मेक अ सेंटेंस बाय योरसेल्फ एंड यू विल बी फाइन। आई नो मैं थोड़ा तेज भाग रहा हूँ बट आई वॉन्ट टू कवर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। थर्ड आ गया आपका डिस्क्राइब इमेज और फोर्थ आ गया आपका रिटेल लेक्चर। अब इन दो टास्क में थोड़े से चेंजेस हैं। डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर में क्या चेंजेस हैं, पहले आपको टेम्पलेट देते थे कि आप सेम सेंटेंस बार बार बोली जाओ, आई कैन सी ही टोल्ड अबाउट, ही टोल्ड अबाउट। बट मैंने रिसेंटली वीडियो भी अपलोड करी थी, ये भी देखा था कि काफी स्टूडेंट्स के एक्सटेंसिव या एक्सटेंडेड स्पीकिंग है जो उसमें कम स्कोर आ रहा था। और हमने ये फिगर आउट किया कि जब कोई स्टूडेंट सेम सेंटेंस बार बार रिपीट कर रहा है तो पीटी उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेम्पलेट्स अभी भी यूज करें बट टेम्पलेट सही तरीके से करें, सेम सेंटेंस बार बार मत रिपीट करें। फॉर एग्जाम्पल आपको इमेज आ गई, इमेज में आपको अराउंड 20 सेकंड बोलना है, रिटेल लेक्चर में अराउंड 25-30 सेकंड बोलना है। अब पहले हम बोलते थे इमेज गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एक वर्ड, आई कैन सी आई कैन सी आई कैन सी आई कैन सी। अब आप क्या कर सकते हैं, द इमेज गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वन कीवर्ड। फर्स्टली इट कैन बी सीन फ्रॉम द इमेज दैट इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट कीवर्ड वन एंड कीवर्ड टू। फर्दर मोर इट डेमोन्स्ट्रेट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट कीवर्ड फोर एंड कीवर्ड फाइव। मोर ओवर इट ऑल्सो गिव्स इन्फॉर्मेशन, इट ऑल्सो डिपिक्स डेटा, या इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स विच इंक्लूड कीवर्ड सिक्स कीवर्ड सेवन। सो बेसिक ये नहीं है कि मैंने जो आपको टेम्पलेट दे दिया डिस्क्राइब इमेज या रिटेल लेक्चर में आपको वही चेप देना है। मेन आइडिया क्या है कि आपको एक टेम्पलेट क्रिएट करना है, या आप हमारे वाला भी फॉलो कर सकते हो जो मैंने लेटेस्ट वीडियो में डाला है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी लगा दूंगा, या फिर आपको जो इजी लगता है टेम्पलेट आप वो बना सकते हो। एक सेंटेंस ओपनिंग सेंटेंस बनाओ, फिर आप फर्स्टली के साथ एक सेंटेंस बना दो, वो हो सकता है फर्स्टली इट कैन बी सीन फ्रॉम द इमेज, फर्स्टली इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड फ्रॉम द इमेज, या इमेज डेमोन्स्ट्रेट द इमेज प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, फिर फर्दर मोर, फिर मोर ओवर, फिर हाउ एवर, फिर देयर फोर, फिर टू कंक्लूड। इस तरीके से 5-6 सेंटेंस रेडी कर लो। आप वो सेम टेम्पलेट हर एक इमेज में यूज कर सकते हो बट विद इन द टेम्पलेट आप सेम सेंटेंसेस रिपीट मत करो, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। आपको 6-7 कीवर्ड भी मिल जाए वो भी बहुत है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग कीवर्ड्स नहीं बोलने बट क्लैरिटी के साथ बोलने हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डिस्क्राइब इमेज में अराउंड 20-25 सेकंड बोलो, पहले सेंटेंस शुरू करो, द इमेज गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट मैप, फर्स्टली इट कैन बी सीन दैट इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, मोर ओवर पाकिस्तान एंड नेपाल हैज ऑल्सो बीन रिप्रेजेंटेड इन द इमेज, मोर ओवर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट बांग्लादेश एंड चाइना इज ऑल्सो गिवन, हाउ एवर नो इन्फॉर्मेशन अबाउट चाइना एंड अफ्रीका इज गिवन इन द मैप, टू कंक्लूड द मैप इज इंफॉर्मेटिव अबाउट चाइना, समथिंग लाइक दैट। होल आइडिया इज 5-6-7 सेंटेंस रखो जिसमें एक एक कीवर्ड फिट करना है, जो कीवर्ड है वो लॉन्ग नहीं होना चाहिए, एक एक वर्ड का ही होना चाहिए, और आपको सिर्फ फ्लो में बोलना है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू एंड यू विल बी 100% फाइन। इस चीज का ध्यान रखना है। रिटेल लेक्चर सिमिलरली, जब आपने कीवर्ड्स लिखने हैं, जब आपका लेक्चर चल रहा होगा तो आपने अराउंड 10-12 वर्ड लिख लेने हैं, इजी इजी वर्ड लिखने हैं, इतने हाई फाई वर्ड नहीं लिख लेने हैं जो आपको खुद ही समझ ना आए कि बोलना कैसे है। आपको मेक श्योर करना है कि आप इजी इजी वर्ड्स लिखें और उनको क्लैरिटी के साथ बोलें। अगर आपके पास कम कीवर्ड्स हैं तो आप कीवर्ड्स रिपीट कर सकते हैं बट सेम सेंटेंसेस बार बार रिपीट मत करना। डिस्क्राइब इमेज अराउंड 20-25 सेकंड, रिटेल लेक्चर 25-30 सेकंड, शी विल बी फाइन। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर पता है तो आंसर बोल दो, नहीं पता तो क्वेश्चन में से कीवर्ड रिपीट कर दो, अगर ऑप्शंस दिए गए हैं तो दोनों ऑप्शंस दोबारा रिपीट कर दो। एग्जाम से एक दिन पहले आप सिर्फ प्रेडिक्शंस पढ़ लो एंड यू विल बी 100% फाइन। ये था आपका स्पीकिंग मॉड्यूल, अब आते हैं राइटिंग मॉड्यूल पे। राइटिंग मॉड्यूल स्टार्ट करें उससे पहले आप ये समझो कि राइटिंग के मेजोरिटी स्कोर आपके रीडिंग और लिसनिंग मॉड्यूल में से आने हैं, तो राइटिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस करने पे आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। राइटिंग का पहला टास्क है समराइज रिटन टेक्स्ट, सेकंड है ऐसे समराइज रिटन टेक्स्ट, एक या दो आपको एग्जाम में आएंगे, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको इसकी ट्रिक्स बता रखी है। पैसेज पढ़ना है, 10 मिनट मिलेंगे आपको समराइज रिटन टेक्स्ट के लिए, 2 से 3 सेंटेंसेस सिलेक्ट कर लेने हैं जिसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज लिख के कॉमा डाल देना, फिर एंड डालना, फिर सेकंड सेंटेंस जो इंपॉर्टेंट हो वो लिख दो। अगर आपकी वर्ड लिमिट अभी भी बची है, कॉमा फर्दर मोर कॉमा डाल के थर्ड सेंटेंस, आपको मैक्सिमम 75 वर्ड्स लिखने हैं, 75 से एक भी ज्यादा वर्ड हो जाएगा तो सीधा जीरो हो जाएगा। तो अगर आपके पास अभी भी वर्ड लिमिट है, आप कॉमा मोर ओवर कॉमा डाल के फोर्थ सेंटेंस लिख दो और एंड में फुल स्टॉप डाल दो। सिर्फ एक फुल स्टॉप होना चाहिए, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई एक्सक्लेमेशन, कुछ नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा फुल स्टॉप हुआ तो स्ट्रेट अवे जीरो हो जाएगा। समराइज रिटन टेक्स्ट ईजी है, रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, एक आधा दिन छोड़ के आप एक या दो समराइज रिटन टेक्स्ट प्रैक्टिस कर लो, विल बी मोर देन फाइन। फिर आ गया ऐसे, ऐसे ऐसी चीज है जिसमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला
पहले ऐसे में एक फिक्स टेम्पलेट चल जाता था, कुछ भी लिखाओ कोई भी टॉपिक के बारे में आपका स्कोर आ जाएगा। बट जो वर्जन 1.3 ऐसे का हमने अपलोड किया है, आपको वो प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि अब ऐसे की कंटेंट मार्किंग थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। और अगर आपने सही कीवर्ड्स या सही कंटेंट नहीं लिखा तो आपके स्कोर नहीं आएगा। तो जो वर्जन 1.3 ऐसे का है, आई विल अटैच द लिंक टू द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। आपको 5 से 6 कीवर्ड से रिलेटेड टू द टॉपिक लिखने ही पड़ेंगे। अगर नहीं लिखोगे तो आपका स्कोर नहीं आएगा। प्लस यू हैव टू मेक श्योर कि सारे के सारे कीवर्ड्स ऐसे टॉपिक में से भी आपके आंसर में आने चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे टेम्पलेट फॉलो करो, बट टॉपिक से रिलेटेड 5-6 कीवर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए, और ऐसे टॉपिक में से सारे कीवर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए। अगर आप ये चीज फॉलो करोगे तो ऐसे टेम्पलेट विल वर्क परफेक्टली फाइन फॉर यू। जो वर्जन 1.3 ऐसे का है वो आप एग्जैक्टली हर एक ऐसे टाइप में फॉलो कर सकते हो। प्लस यू हैव टू मेक श्योर कि आपके स्पेलिंग और ग्रामर सही हो, एंड आप एवरी डे प्रैक्टिस मत करो ऐसे, बट टेम्पलेट अच्छे से याद कर लो, और ऑल्टरनेट डे आप एक ऐसे लिख के देख लिया करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। नेक्स्ट आ गया आपका रीडिंग मॉड्यूल। रीडिंग मॉड्यूल एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल और एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। रीडिंग में आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, क्योंकि अराउंड 16-17 क्वेश्चन आएंगे, अराउंड 30-31 मिनट्स मिलेंगे, कई केसेस में 29 मिनट्स भी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी चीजों पर टाइम लगाएं और कौन सी चीजों पर टाइम मत लगाएं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आते हैं रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, जिसको ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स भी कहते हैं। फिर आएगा एमसीक्यू मल्टीपल आंसर, फिर रीऑर्डर पैराग्राफ, फिर आएंगे रीडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स, और एंड में आएंगे एमसीक्यू सिंगल आंसर। आपको एमसीक्यू मल्टीपल और एमसीक्यू सिंगल पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। अगर आपकी 6 बैंड, 6, 6.5 बैंड या 7 की रिक्वायरमेंट है तो रीऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। अगर 7 या 8 रिक्वायरमेंट है, 7 के लिए भी ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत कर लो। स्पेशली जिन बच्चों की 79 रिक्वायरमेंट है या 65 भी है, तो आप 5 से 10 रीऑर्डर एवरी डे प्रैक्टिस कर लो। बट आपको ज्यादा फोकस करना है रीडिंग ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स। अब ये दो क्वेश्चन टाइप ऐसे हैं जो प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होंगे, इसमें शॉर्टकट नहीं है। बट इसमें जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो पैसेज का मीनिंग समझना है। तो आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सिर्फ ग्रामर के पीछे मत भागो, पैसेज का मीनिंग अंडरस्टैंड करने के पीछे भागो। अगर पैसेज का मीनिंग अंडरस्टैंड करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, राइट। आपको टाइम मैनेजमेंट भी बता देता हूँ। रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, एक पैसेज में आपने 2 से 2.5 मिनट लगाने हैं। एमसीक्यू मल्टीपल में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है, सी ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे चलो। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना। रीऑर्डर पैराग्राफ में 2 मिनट लगाने हैं क्वेश्चन पे। रीडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स पे आपको 2 से 2.5 मिनट लगाने हैं। एमसीक्यू सिंगल एंड में आएगा, टाइम बचा तो लगाओ, नहीं तो जो भी ऑप्शन सही लगता है सिलेक्ट करके यू मूव ऑन। रीडिंग इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, रीडिंग सही होगा तो आपके राइटिंग मॉड्यूल भी बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स जो ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स हैं वो राइटिंग में अराउंड 20-22 नंबर देते हैं। तो आपको रीडिंग ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स पे प्रॉपरली फोकस करना है, रीऑर्डर्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, और एमसीक्यू सिंगल मल्टीपल पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। जब भी आप प्रैक्टिस करो, आप languageacademy.com.au पे प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पे हर एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके दिखाया है। लेट्स से आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपके 2 आंसर गलत हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन वीडियो में जाके देख सकते हो कि क्यों आंसर गलत हुआ है और आपका आंसर गलत क्यों है, क्या रीजनिंग, और सही आंसर सही क्यों है। तो एक्सप्लेनेशन जरूर देखा करो, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी इंप्रूव होगी। इसके बाद आ जाता है आपका लास्ट मॉड्यूल, लिसनिंग मॉड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 8 टास्क हैं जिसमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान देना किस पे टाइम देना, किस पे टाइम नहीं देना, और कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। लिसनिंग का पहला टास्क आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। इसमें आपको 10 मिनट एक के लिए मिलते हैं, आपको 1 या 2 समरी आ सकती है। अगर एक समरी है तो 10 मिनट, 2 समरी है तो 20 मिनट। इसमें रोल ओवर टाइम नहीं होता। अगर आपने पहली समरी 7 मिनट में खत्म कर दी तो ये नहीं है कि अगले में एक्स्ट्रा 3 मिनट मिलेंगे, तो इट्स बेटर कि आप पूरे 10 मिनट ही यूज करें। समराइज स्पोकन टेक्स्ट का मैंने आपको टेम्पलेट जो दिया है वो अभी तक वर्क कर रहा है, नो इश्यूज। बट आपको 2 से 3 चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप सिर्फ टेम्पलेट लिख दोगे वर्क नहीं करेगा। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप लेक्चर में एटलीस्ट 8 कीवर्ड, कीवर्ड्स क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, टॉपिक रिलेटेड वर्ड्स, लेक्चर रिलेटेड वर्ड्स, अपने आंसर में इंक्लूड करें। अगर आप आंसर में कीवर्ड्स इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपका स्कोर नहीं आएगा। आपको मेक श्योर करना कि आपके आंसर में लेक्चर में से 7 से 8 अच्छे कीवर्ड्स आए,
और आप अराउंड 60-65 वर्ड्स लिखें। आपकी लेंथ होती है मैक्सिमम 70, एनी वे बिटवीन 60 to 70 वर्ड्स इज फाइन। 50 वर्ड तो आपको मिनिमम लिखने पड़ते हैं। एक बार ही आपने 8-7-8 कीवर्ड इंक्लूड कर दिया, सेकंड रिक्वायरमेंट है आपको मेक श्योर करना है कि आपका कोई भी स्पेलिंग गलत ना हो। अगर आपके स्पेलिंग गलत होंगे तो आप हैवीली पैनलाइज किए जाओगे और आपके लिसनिंग के साथ साथ राइटिंग में भी स्कोर डाउन हो जाएंगे, क्योंकि समराइज स्पोकन टेक्स्ट राइटिंग में भी बहुत नंबर देता है। उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी ग्रामर की गलती ना हो। कई बार क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड मिल जाता है बट आपको स्पेलिंग श्योर नहीं होते, तो कोई भी वर्ड के अगर आपको स्पेलिंग श्योर नहीं है आपने लिखने नहीं है। कम कीवर्ड्स हैं तो सेम कीवर्ड रिपीट कर दो बट गलत कीवर्ड नहीं लिखना और गलत स्पेलिंग नहीं लिखने। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 7 से 8 कीवर्ड, अराउंड 60-65 वर्ड्स, नो स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक एंड यू विल बी फाइन। एंड में प्रूफ रीडिंग जरूर करना और कंप्लीट 10 मिनट्स ही इसमें यूज करना। एंड में अगर आपका टाइम आउट भी हो जाता है तो आपका आंसर ऑटो सबमिट हो जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। एक बार आप समराइज स्पोकन टेक्स्ट कर लेते हो तो आपका सेक्शन 2 शुरू हो जाता है, जहाँ पे ओवरऑल टाइम होता है। आपको टाइम खुद मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास 10 से 11 क्वेश्चन होंगे कम से कम, और आपको 15-16 मिनट ही मिलेंगे, तो लिमिटेड टाइम होता है। थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो सकता है एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, कई बच्चों को कम क्वेश्चन आते हैं, कई बच्चों को ज्यादा। अब आपको सेकंड क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू मल्टीपल आंसर, फिर लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आपको आएगा हाईलाइट करेक्ट समरी, फिर एमसीक्यू सिंगल आंसर, फिर सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, फिर हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स और राइट फ्रॉम डिक्टेशन। इन 7 टास्क में से लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू मल्टीपल, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, एमसीक्यू सिंगल और हाईलाइट करेक्ट समरी, चारों बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन पे टाइम नहीं वेस्ट करना। जब मैं कहता हूँ टाइम नहीं वेस्ट करना, मतलब आपने अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना, क्योंकि इनकी थोड़ी बहुत वेटेज तो होती है बट उतनी की वेटेज है कि गलत भी कर दो फिर भी आपके 79+ आ सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या कि जब ऑडियो चल रही है, ऑडियो के दौरान ही आपने सही ऑप्शन चूज कर लेना, सही ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, सो दैट जैसे ही ऑडियो खत्म हुई आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दो, क्योंकि लिसनिंग का एक रूल है, जब तक ऑडियो नहीं खत्म होती आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव नहीं कर सकते। तो जब ऑडियो चल रही है ध्यान से सुनो, और ऑडियो के दौरान ही अपना सही ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। एंड एज सुन एज द ऑडियो स्टॉप्स मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड लो और नेक्स्ट ऑप्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दो। इनमें से एमसीक्यू मल्टीपल में नेगेटिव मार्किंग होती है तो मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करो जो आप 100% श्योर हो। अब लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, 2 से 3 आएंगे। इसमें मेजोरिटी बच्चे गलती क्या करते हैं, स्पेलिंग्स की। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, जितने भी लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स languageacademy.com.au पे प्रैक्टिस करो, जो स्पेलिंग गलत होते हैं उनकी लिस्ट बना लो, क्योंकि वो कॉमनली रिपीटेड स्पेलिंग्स हैं जिसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं और जो काफी बार एग्जाम में भी आते हैं। उसकी लिस्ट बना लो, उसको अच्छे से लिख लो, 100% आपकी लिसनिंग और राइटिंग स्कोर बूस्ट होगा। अगर कोई ब्लैंक फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क के बाद है तो आपने कैपिटल अल्फाबेट से शुरू करना है। अगर कोई प्रॉपर नाउन है, जैसे नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, बुक टाइटल, कोई रिलीजन, वीक डेज, मंथ, ये सारे लैंग्वेज का नाम, ये आपको सारे के सारे कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट करना है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एंड में एस और ईडी का भी ध्यान रखना है। अगर बॉय बॉयज बोला है उसने, आपने सिर्फ बॉय लिखा है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। लिसनिंग ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंड लास्ट टास्क है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। ईजी टास्क है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि रीडिंग में भी नंबर देता है और बहुत सारे बच्चे इसको ईजी लेते हैं, निगलेक्ट करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। प्लीज एवरीडे 4-5 हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स प्रैक्टिस करा करो, इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी आपके लिसनिंग और रीडिंग स्कोर में, और आपका ओवरऑल स्कोर भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर कोई भी वर्ड आप श्योर नहीं होते तो आपने सिलेक्ट नहीं करना। इंपॉर्टेंट टास्क है, प्रैक्टिस करो। लास्ट टास्क जिसको हम बोलते हैं किंग ऑफ द टेस्ट, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, 3 से 4 आएंगे। ऑन एवरेज एक सेंटेंस में 10 वर्ड होते हैं, एक वर्ड सही लिखने का 1 नंबर लिसनिंग में, 1 नंबर राइटिंग में। तो अगर 4 डिक्टेशन आ जाती है 10-10 वर्ड की, तो 40 नंबर लिसनिंग में, 40 नंबर राइटिंग में मिल रहे हैं आपको। और आपको इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करनी है। और इसमें एक ट्रिक है कि आपको सही वर्ड लिखने के 1 नंबर मिलते हैं, गलत वर्ड लिखने के 0, मतलब देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इफ यू राइट द रॉन्ग वर्ड। तो आपको जहां पे भी स्पेलिंग का डाउट है या वर्ड का डाउट है, आपने एक्स्ट्रा वर्ड डाल के आना है। मैं हमेशा अपने एग्जाम में बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल के आता हूँ, जस्ट टू चेक कि मेरे मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं या नहीं। लास्ट टाइम भी मैं डाल के आया था और मेरे 90 ईच ही आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेंटेंस है आई एम गोइंग टू लंडन, आपको श्योर नहीं है कि लंडन का एल कैपिटल होगा या स्मॉल, तो आप कैपिटल ऐसे लिख दो, आई एम गोइंग टू लंडन विद एल कैपिटल एंड देन स्पेस लंडन विद एल स्मॉल एंड एंड में फुल स्टॉप डाल दो। कोई स्लैश वगैरह नहीं डालना, बस नॉर्मल स्पेस दे के नेक्स्ट वर्ड लिखना है। अगर एक सेंटेंस है ही इज गोइंग टू हिज कार, आपको श्योर नहीं है ही है शी है,
तो फर्स्ट वर्ड है एच ई का एच भी कैपिटल आएगा, फिर आप उसका एक्स्ट्रा वर्ड लिख रहे हो या रिप्लेसमेंट लिख रहे हो तो शी का एस भी कैपिटल आएगा। ही इज गोइंग टू, हीज आपको श्योर नहीं है हीज है या हर है, हीज भी लिख दो हर भी लिख दो, श्योर नहीं है कार है या कार से तो दोनों लिख दो। मेन आइडिया क्या है, पहले आप ट्राई करो कि आप टाइम भी मैनेज करना, बेफालतू में एक्स्ट्रा वर्ड्स मत डालना, ये ना हो कि आप एक एक डिक्टेशन में 50 एक्स्ट्रा वर्ड डाल दो और उसके चक्कर में टाइम अप हो जाए। जहां डाउट है जरूर एक्स्ट्रा वर्ड डालो, प्रूफ रीडिंग करो और नेक्स्ट पे मूव कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एक ही डिक्टेशन में इतने सारे एक्स्ट्रा वर्ड डाल देते हैं कि बाद में उनको दूसरी डिक्टेशन करने का टाइम ही नहीं मिलता। सो द आइडिया इज लिसन टू द सेंटेंस, राइट द सेंटेंस, जहां पे डाउट है वहां पे एक्स्ट्रा वर्ड डालो, जहां पे सिंगुलर या प्लूरल का डाउट है वहां पे एस डाल दो, यू नो एड जो भी रिप्लेसमेंट वर्ड्स है वो डालो, जल्दी से स्पेलिंग प्रूफ रीड करो, क्योंकि स्पेलिंग सही होगा तभी नंबर मिलेंगे, एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिक्टेशन। जब तक आप एंड एग्जाम नहीं करते आपने रुकना नहीं है, एक बार आप डिक्टेशन के बाद एंड एग्जाम सबमिट कर दोगे यू विल बी फाइन। उसके बाद नॉर्मली 3-4 घंटों में रिजल्ट आ जाता है, कई बच्चों को 2-4 दिन भी लग जाते हैं। होपफुली एक बार आपको ईमेल आएगी, आप स्कोर खोल के देखोगे एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड स्कोर्स। पीटी का टेस्ट मैंने समराइज कर दिया, दोबारा बता देता हूँ, स्पीकिंग में क्लैरिटी का ध्यान रखो, डिस्क्राइब इमेज रिटेल लेक्चर, थोड़े सेम सेंटेंसेस रिपीट मत करो, एसे में प्रॉपर कीवर्ड्स डालो, रीडिंग में रीडिंग ब्लैंक्स रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स पे फोकस करो, लिसनिंग में स्पेलिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग ब्लैंक्स और डिक्टेशन में बहुत जरूरी है, स्पेलिंग गलतियां नहीं होनी चाहिए, समराइज स्पोकन टेक्स्ट में स्पेलिंग श्योर नहीं है मत लिखो, लिसनिंग ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करो, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में जहाँ स्पेलिंग का डाउट है एक्स्ट्रा वर्ड डाल दो, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में नेगेटिव मार्किंग है तो जो श्योर नहीं है सिलेक्ट मत करो, और 4 क्वेश्चन टाइप जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट नहीं है उनको बिल्कुल भी फोकस मत करो, उन पे टाइम भी वेस्ट मत करो, रीडिंग और लिसनिंग में प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करो। और रिक्वेस्ट है languageacademy.com.au पर रजिस्टर करो, वहां पे फ्री फुल मॉक टेस्ट भी मिलता है, फ्री एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट भी मिलते हैं 4ों मॉड्यूल्स के, वो जरूर करके जाओ, क्लियर आइडिया मिलेगा कि भाई एग्जाम में कितना स्कोर आएगा, एग्जाम इन्वायरमेंट में आप टाइम मैनेज कर पाओगे या नहीं, आप प्रेशर झेल पाओगे या नहीं, आप कौन कौन सी गलतियां करते हो, सो दैट वो गलतियां आप सेम एग्जाम में रिपीट मत करो, जो गलतियां करनी है मॉक टेस्ट में करके फिक्स कर लो ताकि एग्जाम में सेम गलतियां ना हो, क्योंकि एग्जाम प्रीटी सिमिलर होता है मॉक टेस्ट की तरह, यहाँ पे गलतियां फिक्स करके एग्जाम दो, पहले अटेम्प्ट में अपना डिजायर्ड स्कोर लो, जो भी आपने गलतियां की हैं वो फिक्स होंगी तो एग्जाम में बेटर स्कोर आएगा, टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए अब आप जा सकते हो languageacademy.com.au, रिक्वेस्ट है जितने मॉक टेस्ट कर सकते हो करो, सो दैट यू गेट टू नो वे यू स्टैंड एंड हाउ यू हैव टू इम्प्रूव, और एक्चुअल टेस्ट क्या होता है। पेन पेपर से प्रैक्टिस मत करना, कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करना, कंप्यूटर नहीं है तो आप LAPT एग्जाम प्रैक्टिस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है और एंड्रॉइड स्टोर पे भी अवेलेबल है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल, अब आप जाओ लैंग्वेज अकेडमी पे प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट जो फ्री में अवेलेबल है उसका स्कोर कार्ड भी मिलेगा, आपको एनालिसिस भी मिलेंगे, फीडबैक भी मिलेगा, तो वो मिस मत करना। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी ले सकते तो वो फ्री फुल मॉक टेस्ट जरूर करना, क्लियर आइडिया मिल जाएगा और आपको बहुत हेल्प होगी। हमारी ब्रांचेस ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, नेपाल में, और हम कैनेडियन स्टूडेंट्स के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं कैनेडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग, तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए यू लेट अस नो एंड वी विल बी विद यू एंड वील मेक श्योर यू गेट योर डिजायर्ड स्कोर्स इन द वेरी फर्स्ट गो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत सारे लोग भाई देख लेते हैं ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज डू, दैट इज समथिंग आई वर्क फॉर, दैट इज समथिंग विच विल कीप मी गोइंग ऑन। अगर आपका कभी भी मेरी वीडियोज देख के डिजायर्ड स्कोर आता है तो डू लेट मी नो, दैट विल कीप मी गोइंग ऑन एंड विल मोटिवेट मी टू हेल्प अ लॉट मोर स्टूडेंट्स। दैट्स इट, आई विल सी यू वेरी सून, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। अगर कोई और टॉपिक नहीं समझ आ रहा लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, और अब जाओ वेबसाइट languageacademy.com.au पे और प्रैक्टिस करो।